आज हम करने जा रहे हैं क्राउन जोल 2024 की प्रेडिक्शंस। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जानेगा आज किस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जहां पर पहली बार सब्सक्राइब करके नेक काम पर कर दीजिए और पहले आइकन को जरूर दबाएं। WWE क्राउन जोल 2024 हर साल WWE पेपर व्यू सऊदी अरब में रखती है और इस साल भी रखा गया और उसके अंदर इस बार WWE ने काफी बढ़िया मैचेस बुक कर दिए हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहली मैच की तरफ एंड वो होने वाली है लिव मॉर्गन रॉ वीमेन चैंपियन वर्सेस नाया जैक्स मैडन वीमेन चैंपियन मैच, यानी चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच फॉर द WWE वीमेन्स क्राउन जोल चैंपियनशिप मैच। तो यहाँ पर एक नई चैंपियनशिप लाई गई है, वो है WWE वीमेन्स क्राउन जोल चैंपियनशिप, जो कि मैंस एंड वीमेन्स की दोनों लाई गई है एंड उसके अंदर ये मैच रखा गया है क्राउन जोल वीमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैंपियन वर्सेस चैंपियन। देखने को तो काफ़ी मजा आएगा क्योंकि यहाँ पर नाया जैक्स एंड दूसरी लिव मॉर्गन एक दूसरे के साथ लड़ने वाली है। इस मैच के लिए WWE ने इतना खास बिल्डअप तो नहीं किया है, बट ये मैच कमाल का होने वाला है क्योंकि लिव मॉर्गन एंड नाया जैक्स सामने सामने होने वाले हैं। देखने को तो मज़ा आएगा, मूव्स हमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जो नाया जैक्स है वो भारी भरकम सुपरस्टार है और दूसरी तरफ लिव मॉर्गन है जो कि उनसे कम कदकाठी में है और यहाँ पर देखने को तो मज़ा आने वाला है। लेकिन बात कर जाए इस मैच के विनर की, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैच तो यहाँ पर तगड़ा होने वाला है और विनर के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नाया जैक्स हरा देंगी लिव मॉर्गन को एंड बन जाएगी WWE Women's Crown Jewel Champion। बट यहाँ पर WWE यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी कह नहीं सकते, बट मेरा विनर है नाया जैक्स, वो हरा देंगी लिव मॉर्गन का, बन जाएगी WWE Women's Crown Jewel Champion। बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ एंड वो होने वाली है गंथर यानी रॉ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एंड वर्सेस कोडी रोड्स स्मैकडाउन अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। यहाँ पर भी चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलने वाला है फॉर द WWE क्राउन जोल चैंपियनशिप मैच। यहाँ पर चैंपियन वर्सेस चैंपियन यानी WWE चैंपियन गंथर एंड वर्सेस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। इस मैच के बारे में बात कही जाए तो देखो इस मैच में भी इतना खास बिल्डअप नहीं किया है जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है WWE क्राउन जोल चैंपियनशिप, देखने को तो मज़ा आने वाला है। लेकिन बात कही जाए एक स्टोरी लाइन की, तो देखो स्टोरी लाइन में इतना खास मज़ा है नहीं, लेकिन जब देखा जाए तो जब ट्रिपल एच ने बुलाया था उन्हें तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, तब यहाँ पर इनकी थोड़ी झड़प तो देखने को मिल गई थी कि यहाँ पर आपस में ये दोनों लड़ रहे थे। देखो गंथर तो फिलहाल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है ही, यहाँ पर दूसरी तरफ बात कर जाए कोडी रोड्स की तो यहाँ पर वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है जहाँ पर उन्होंने रेसलमेनिया में जीती थी। तो यहाँ पर देखो मैच तो देखने का मज़ा आने वाला है, दोनों भी सुपरस्टार काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन तो भी देखा जाए गंथर के साथ लुडविक काइजर है और यहाँ पर कोडी रोड्स के साथ तो रैंडी ऑर्टन है ही, लेकिन दूसरी तरफ बात करी जाए यहाँ पर मैच की तो देखो मैच में मज़ा आने वाला है। गंथर भी काफ़ी खतरनाक सुपरस्टार है और कोडी रोड्स भी देखो काफ़ी खतरनाक सुपरस्टार है, वो फिलहाल तो रोमन रेंस को हरा कर चैंपियन बने हुए हैं। लेकिन बात कर जाए इस मैच के विनर की, तो यहाँ पर विनर बताना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर दोनों भी सुपरस्टार चैंपियन हैं और इस स्टेज पे काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन विनर तो हमें बताना पड़ेगा ही। देखो यहाँ पर गंथर भी काफ़ी खतरनाक है और यहाँ पर कोडी रोज भी काफ़ी खतरनाक है, मूव्स भी काफ़ी अच्छे देते हैं। लेकिन बात कर जाए विनर की, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस मैच में कोडी रोज हरा देंगे गंथर को एंड बन जाएंगे WWE क्राउन जेल हैवीवेट चैंपियन। लेकिन ये तो WWE यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, WWE चाहे तो गंथर को भी जीता सकती है, चाहे तो कोडी रोड्स को भी जीता सकती है, तो WWE पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा विनर है कोडी रोड्स एंड वो हरा देंगे गंथर को। तो चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ एंड वो होने वाली है द वाइपर रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवंस। इसके बारे में बात किया तो यहाँ पर कोडी रोड्स भी इन्वॉल्व है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया था केविन ओवंस ने काफ़ी बुरी तरीके से पार्किंग लॉट में, फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने आकर उनसे बात की थी कि भाई तुम ऐसा मत करो, तुमने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया क्या। फिर यहाँ पर केविन ओवंस ने यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के ऊपर भी अटैक कर दिया था और उसके बाद से यहाँ पर रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस के बीच में भी झड़प शुरू हो चुकी है। मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पर ट्रिपल एच को बैक स्टेज से सीधा रिंग में बुलाया, ट्रिपल एच ने आकर इस मैच को कंफर्म भी कर दिया, जो कि फैंस का सपोर्ट भी मिल रहा था इस मैच के लिए। इस मैच में कोडी रोड्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर उनका मैच चैंपियन वर्सेस चैंपियन होने वाला गंथर के अगेंस्ट, यहाँ पर रैंडी ऑर्टन भिड़ने वाले केविन ओवन से फॉर द रिवेंज, क्योंकि यहाँ पर जो है उनके ऊपर अटैक किया था कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया था, रैंडी ऑर्टन बदले के चक्कर में भी उनसे ऊपर लड़ने वाले हैं, भिड़ने वाले हैं, शूट तो अभी चलने वाली है। लेकिन बात कर जाए इस मैच के विनर की, तो देखो यहाँ पर विनर बताना मुश्किल है, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस मैच में केविन ओवंस हराने वाले हैं यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को एकदम क्लियरली, यानी यहाँ पर उसके बाद हमें केविन ओवंस कोडी रोड्स से लड़ते हुए नज़र आ सकते हैं आने वाले टाइम में।
लेकिन ये तो WWE में आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, WWE चाहे तो किसे भी जीता सकती है, लेकिन मेरा विनर है यहाँ पर केविन ओन्स एंड वो हरा देंगे रेंडी ऑर्टन को क्लियरली। हो भी सकता है कि यहाँ पर कोई चीटिंग करते हुए नजर आए केविन ओन्स, क्योंकि हील है तो चीटिंग तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो है मैच में तो यहाँ पर केविन ओन्स जीत सकते हैं ना, तो रेंडी ऑर्टन कुछ भी हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ एंड वो होने वाली है एक फैटल फोर वे टैग टीम मैच फॉर द WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। तो यहाँ पर जेड गार्गिल एंड बियांका बेलर सामना करने वाली है डैमेज कंट्रोल कायरी सेन एंड लियो स्काई का एंड मेटाफोर एंड जैक्सरा जैक्सन एंड चेल्सा ग्रीन एंड पाइपर विविन। तो देखो यहाँ पर तो इन सभी के साथ तो मैच होने वाला है फॉर द WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच। तो एक फेटल फोर वे मैच होने वाला है तो देखने को तो मज़ा आने वाला है, लेकिन यहाँ पर सऊदी में है तो WWE इतना कुछ एफर्ट पुट नहीं करने वाली। हालांकि WWE चाहते हैं कि और भी ज़्यादा WWE यहाँ पर विमेंस को इंकरेज करे सऊदी अरेबिया में, जैसे कि वहाँ पर विमेंस को इतना ज़्यादा पुशअप नहीं किया जाता कि खैर अपने अपने कंट्री का अलग अलग रूल होता है, तो यहाँ पर हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मैच के बारे में। लेकिन देखो इस मैच के बारे में बात कर जाए तो फेटल फोर वे मैच हो तो ज़रूर WWE ने इंटरेस्टिंग ऐड किया होगा कुछ ना कुछ, ताकि फैंस को एंटरटेनमेंट हो इस मैच को लेकर। लेकिन बात कर जाए सीधी इस मैच के विनर के बारे में बात कर लेते हैं, मुझे लगता है मैच देख रहे हो तो मैच के जैसा ही विमेंस के फेटल फोर वे मैच में होता है वैसे ही मज़ा आने वाला है। लेकिन विनर के बारे में बता दूं तो यहाँ पर देखो मज़ा आने वाला है तो आपको पता ही है, लेकिन विनर है वो है बियांका बेलर एंड जेड गार्गिल अपने टाइटल को रिटेन कर सकती है यहाँ पर इस मैच में। लेकिन यहाँ पर WWE यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अगर WWE टाइटल चेंज करना चाहती है तो करा सकती है, लेकिन मेरा विनर है जेड गार्गिल एंड बियांका बेलर अपने टाइटल को स्टिल रिटेन करने वाली है। नेक्स्ट मैच की तरफ एंड वो होने वाली है WWE यानी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस ब्रोसन ब्रीड के बीच एक सिंगल्स मैच। देखो बॉन्सन ब्रीड एंड हम सेथ रॉलिंस के भी फ्यूड काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे आ रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा रहा है। जो बॉन्सन ब्रीड है वो सुनामी मूव लगा रहे हैं, कभी ब्रॉन स्टोपन के ऊपर तो कभी सेथ रॉलिंस के ऊपर। ब्रीड ने यहाँ पर सेथ रॉलिंस के ऊपर भी अटैक किया है, ब्रॉन स्टोमन के ऊपर भी अटैक किया है, लगभग दोनों सुपरस्टार यहाँ पर ब्रॉन स्टोमन ब्रीड के पीछे लगे हुए हैं और सेथ रॉलिंस का मैच भी रखा गया। और आज के यहाँ पर कह सकते हैं कि इस बार के मंडे नाइट रॉ में तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस के ऊपर बुरी तरीके से अटैक किया था ब्रॉन्सन ब्रीड ने, ब्रॉन स्टोपन के ऊपर भी अटैक कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल तो सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन ब्रीड के बीच मैच देखने को मिल रहा है क्राउन जोल में। तो देखो देखने को तो मज़ा आने वाला है क्योंकि अभी फ्यूड हो चुकी है इनकी ऑलमोस्ट ख़त्म, क्योंकि अभी क्राउन जोल होने वाला है तो यहाँ पर तो सीधा मैच होने वाला है क्राउन जोल में। तो देखो इस मैच के विनर के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस मैच में सेथ रॉलिंस क्लियरली हरा देंगे ब्रॉन्सन ब्रीड को, क्योंकि यहाँ पर आगे उनके फ्यूड दूसरी चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रॉन्सन ब्रीड का अगला टारगेट ब्रॉन स्टोमन हो सकता है, क्योंकि ब्रॉन स्टोमन का मैच ही उनके अगेंस्ट होने वाला है, क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक हुआ था एंड ब्रॉन्सन ब्रीड का अटैक यहाँ पर ब्रॉन्सटोमन के ऊपर हुआ था, तो ब्रॉन्सटोमन का मैच भी देखने को मिलने वाला है उनके साथ यानी ब्रॉन्सन ब्रीड वर्सेस ब्रॉन्सटोमन का। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस क्लियर हरा सकते हैं ब्रॉन्सन ब्रीड को, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है WWE पे डिपेंड करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ एंड वो होने वाला है एक ट्रिपल ट्रेड मैच यानी एला नाइट वर्सेस आंद्रादे वर्सेस कार्मेलो हेस। देखो ये मैच होने वाला एक ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच। यहाँ पर टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है यूनाइटेड स्टेट टाइटल का, क्योंकि यहाँ पर जो है चैंपियन है अपने एले नाइट को अगर साइड में रखा जाए तो यहाँ पर आंद्रादे एंड कार्मेलो हेल्स का जो कि मैच लगभग स्मैकडाउन लाइव में होते ही रहता था, यहाँ पर लगभग काफ़ी लंबे टाइम से इनका फ्यूड चल रहा है, एक तरीके से कई तो मैचेस हो रही है स्मैकडाउन लाइव में कार्मेलो हेल्स एंड आंद्रादे का। कभी आंद्रादे जीत रहे हैं इस मैच को और कभी कार्मेलो जीत रहे हैं, तो यहाँ पर देखने का तो इंटरेस्टिंग मैच थे। और इस बार के स्मैकडाउन लाइव में हमने देखने को मिला था कि स्पेशल गेस्ट रेफरी थे एले नाइट, और उसके बाद जो है मैच को एक तरीके से बंद हो गया और उस बार एक ट्रिपल थ्रेट मैच में कन्वर्ट हो गया ये मैच और टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है। अभी ये फ्यूड को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना दिया गया क्योंकि टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है ट्रिपल थ्रेट मैच में और यहाँ पर एले नाइट फंस चुके हैं, उन दोनों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से फ्यूड चल रही है। लेकिन अगर बात कर जाए इस मैच के विनर की तो विनर बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि तीनों भी सुपरस्टार एक तरीके से काफ़ी एक में एक बड़े सुपरस्टार है। काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है इस मैच में जो को टाइटल के लिए होने वाला है, मूव्स के ऊपर मूव्स देखने को मिलने वाले क्योंकि कार्मेलो भी अच्छे हैं और यहाँ पर देखो एले नाइट भी काफ़ी बेहतरीन मूव्स परफॉर्म करते हैं और एले नाइट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सुपरस्टार है, काफ़ी मूव्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन बात करते हैं इस मैच के विनर की तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस मैच में टाइटल चेंज होने के चांसेस है, यहाँ पर कार्मेलो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनते हुए नज़र आ सकते हैं।
क्योंकि एल ए नाइट भी चैंपियनशिप जीत चुके हैं और यहाँ पर आंध्रा देवी यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रह चुके हैं पहले। अब बारी है कार्मेलो की पुश के लिए और यहाँ पर मुझे लगता है कि कार्मेलो इस टाइटल को जीत सकते हैं और न्यू बन सकते हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। लेकिन ये तो मेरी प्रिडिक्शन, लेकिन WWE डिपेंड करता है। फिलहाल मेरा प्रिडिक्शन है कार्मेलो न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। तो चलते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल मैच की तरफ, जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। एक सिक्स मैन टैग टीम मैच, रोमन रेंज एंड जे उसो एंड जिमी उसो वर्सेस सोलो सिकवा ब्लड लाइन, सोलो सिकवा टामा टोंगा एंड टामा लो एंड सरिंग साइड होने वाले है टाका फतू। सिक्स मैन टैग टीम मैच होने वाला है, तीनों भी एक साथ आफ्टर रेसलमेनिया 6 महीनों के बाद होने वाले हैं। ब्लड लाइन तो काफ़ी लंबे टाइम से टूट चुकी थी, लेकिन स्टोरी लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनकी। जे उसो तो रेसलमेनिया के पहले ही रोमन रेंज से अलग हो गए थे, लेकिन यहाँ पर उनके साथ जिमी उसो सोलो सिकवा थे। लेकिन रेसलमेनिया के बाद 40 के बाद यहाँ पर सोलो सिकवा ने नई ब्लड लाइन बिल्डअप की और जिमी उसो को भी निकाल दिया ब्लड लाइन से और उला फाला अपने पास रखे हुए हैं। समर स्लैम में रोमन रेंज ने रिटर्न किया, फिर जिमी उसो ने भी रिटर्न किया रोमन रेंज के लिए, जहाँ पर रोमन रेंज को एक्नॉलेज किया करने के लिए कहा था सोलो सिकवा ने, रोमन रेंज ने नहीं किया और यहाँ पर इनकी मैच में आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग पड़ाव आ चुका है। अभी जे उसो जिमी उसो तो एक हो चुके हैं एंड रोमन रेंज भी एक हो चुके हैं उनके साथ में, एंड सेमी जेन भी आने वाले टाइम में उनके साथ होने वाले हैं। तो लेकिन फिलहाल तो एक सिक्स मैन टैग टीम के मैच के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर रोमन रेंज जिमी उसो जे उसो लड़ने वाले हैं, सोलो सिकवा टामा टोंगा टामारो और रिंग साइड पर होने वाले हैं यहाँ पर जैका फतू। मैच इंटरेस्टिंग होने वाले, लेकिन यहाँ पर देखने को तो मज़ा आने वाला है क्योंकि जे उसो एंड यहाँ पर जिमी उसो की जो दरार थी वो तो हमें थोड़ी कम होते हुए नजर आ सकती है, लेकिन जे उसो जो है रोमन रेंज से थोड़ा खफा सा है। तो यहाँ पर टैग में इनका मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, जो कि आपस में एक भाई जैसा होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि इस मैच में इंटरफेरेंस जैका फतू का हो सकता है और वापस सेमी जेन का रिटर्न देखने को मिल सकता है ब्लड लाइन में वापस से, एंड वो अटैक कर सकता है जैका फतू के ऊपर। लेकिन बात कर जाए इस मैच के विनर की, तो देखो यहाँ पर विनर बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन मैच है यहाँ पर। दोनों भी ब्लड लाइन जो कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रोमन रेंज की ब्लड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बात कर जाए इस मैच के विनर की, यहाँ पर मुझे लगता है कि रोमन रेंज की ब्लड लाइन हरा देंगी सोलो सिकवा एंड टामा टोंगा एंड टामालो एंड जैका फतू के ब्लड लाइन को। लेकिन अगर WWE के कुछ अच्छे प्लान्स होंगे इन फ्यूड के लिए, सरल सीरीज के लिए, तो यहाँ पर ज़रूर रोमन रेंज की टीम हार सकती है। लेकिन अगर कुछ इनके बीच में नहीं होता है, अगर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर ज़रूर रोमन रेंज की टीम अगर इस मैच को जीत लेंगी, वापस से इनकी ब्लड लाइन हमें आपस में देखने को मिल सकती है, जो कि भाई जैसे रह सकते हैं। एंड मेरा विनर है रोमन रेंज की ब्लड लाइन जिमी उसो एंड जे उसो की। ये थे सारे मेरे प्रेडिक्शन WWE क्राउन जेवल 2024 के। आपके प्रेडिक्शन क्या है नीचे कॉमेंट करके बताएं, मैं देखूंगा, देखते हैं किसके प्रेडिक्शन सही होते हैं। तो बस आज की वीडियो बस ये तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भले ही आप समोन स्पाइक मारिए या फिर स्पेयर लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।